कैसे दोस्तों, मैं आपको दोस्त आपका स्वागत है इंडियन रेलवे सीरीज में। आज हम लोग बनाने वाले हैं वैप 7P, जो वैप 7 के बाद आता है पावरफुल लोकोमोटिव। सो उसको बनाते हैं अभी। सबसे पहले ये ऐसे लगाना है, उसके बाद पीछे ब्लॉक, इधर से ऐसे ब्लॉक्स लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं लीवर, ताकि यहाँ पर थोड़ा लाइट आ जाए। और इन दो जगह पे लगाना हमें ये ब्लू स्टोन, ताकि ये रेड, ये लाइट का लैंप, ताकि हमारा यहाँ पर लाइट आ सके। उसके बाद अभी यहाँ पर ये बराबर, उसके बाद अभी यहाँ पर भी ऐसे फिल अप करना है, इधर भी एज इट इज बराबर। तो अभी इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे भरना है कि, और बीच में एक थोड़ा सा गैप देना ताकि विंडो लगा सके। एज इट इज़ हमें वैप, जैसे मैंने ना वैग 9 बनाया था एज इट इज़, सेम वैसे ही बनाना, बस थोड़ा सा चेंजेस होंगे इसमें, वरना सारे सेम वैसे ही है। सो अभी मैं थोड़ा ढांचा बना लेता हूँ। सो मैं सबसे पहले ये ढांचा बना लेता हूँ, ताकि थोड़ा ईजी रहे बाद में उसको फिलअप करने के लिए। और इधर दो लाइट ऑलरेडी, दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये मैंने कर लिया है। सो अभी यहाँ पर हमें लगाना है ये ग्लास और यहाँ पर दरवाजा। सो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पर भी सेम ग्लास, दरवाज़ा, और हाँ लैडर लगाना मत भूलना, कि बिना लैडर के हम लोग, बिना स्टेशन के प्लेटफॉर्म के हम लोग चढ़ सकते हैं नहीं। अरे अरे, ये मैंने दरवाज़ा रॉन्ग लगा दिया, बाहर से लगाना है बराबर। और अभी इधर भी लगा लेते लैडर, आप देख सकते हो मस्त लग रहा है, अभी कर लेता। ओके, इधर लैडर लगा दिया है। सो अभी ये छत कवर करना है हमें। सो छत कवर करने का बहुत इजी है, सबसे पहले इसको करना है फिलअप। ऑल राइट, अभी उसके बाद हमें इसको ऐसे बनना है, बल्कि ये स्लैब्स के साथ मदद, स्लैब के मदद से बनना है। सो ये स्लैब्स बनने के बाद अंदर का हमें वो तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद ये हम लोग अंदर की वो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ना वो थोड़ा अंदर का माल भर सकते हैं, मतलब कि जो सीटिंग कैपेसिटी हो गई सीटिंग की वो सब। और इधर हमें ऐसे स्लोप लगाना है, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। सो अभी इधर भी तोड़ देते हैं। सो अभी इसके बाद अभी हमें अंदर बैठने की व्यवस्था करनी है, शायद से मैंने इसको ज़्यादा भर दिया। सो इसको फिर से ऐसे ब्लॉक। सो अभी इसके बाद हमें क्या करना होगा, कि इसमें जो सीटिंग की चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले असिस्टेंट एंड ये असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट, उसके बाद यहाँ पर ये दो बेंच और पीछे ऐसे बेंच। ऑल राइट, सो ये अभी हमारा हो चुका है। और अभी इन आउटर या अभी इसका बाहर का करना है। सो बाहर का करना एकदम सिंपल है, यहाँ पर रेड लाइट लगानी है हमें, बल्कि रेड लाइन लगानी है। और हाँ, यहाँ पर पेंटोग्राफ लगा देते हैं। सो पेंटोग्राफ लगाना एकदम सिंपल है हमें। एक सेकेंड, आई थिंक मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ, हाँ गलत ही कर रहा था, लेकिन इसको पैक कर देते हैं। अभी इसको यहाँ से भरना है और इसको वापस यहाँ पर फिलअप। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पर इसका रहेगा ये डाउन, और इसमें हम लोग ना ग्रे यूज़ करेंगे, क्योंकि वाइट पेंटोग्राफ इसके ऊपर दिखेगा है नहीं, इसलिए हम लोग ये ग्रे पेंटोग्राफ यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत माइंड ब्लोइंग लग रहा है। और अभी इसके बाद क्या करना होगा, कि इसको फिल करना है। सो ये फिल करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। लगाना हमें स्लैब्स। सो स्लैब लगाने के बाद हमारा ये इंजन बन जाएगा बहुत आसानी से। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारा ये साइड वॉल कर दिया है, अभी लगा देते हैं वापस इस साइड में रेड लाइन, दोनों को जोड़ देते हैं बराबर। सो इस साइड का हो गया, अभी इस साइड का भी कर लेते हैं।
ऑलराइट दोस्तों, अगर आप देख सकते हो मैंने ये कर लिया है। सो अभी इसके बाद हमें वैप 7 लिखना है, वैप 7P लिखना है। तो इसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा और इधर P7 लिखना है। तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा ऐसे इन दोनों को ऐसे कट, फिर मैं अगर मैं इसको ऐसे लगाऊँ तो क्यों, मुझे थोड़ा कट लुक चाहिए। तो उसके लिए इसको मैं ऐसे काट के ऐसे रख देता हूँ, इसको ऐसे काट के मैं इसको रख देता हूँ ऐसे। ओके हाँ, कुछ समझ में नहीं, नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसको तोड़ के हम लोग करते हैं सीधा वाला ही। ओके दोस्तों, अभी इसमें हमें क्या करना होगा, इसको तोड़ के इसको तोड़ना है। सो इसके बाद अभी हमें इसके पीछे लगाना पड़ेगा वाइट, आई थिंक ये यूज़ करना है वाइट। उसके बाद बीच में भी वाइट और इसमें हमें ऐसे लगाना है और फिर हमें इसको ऐसे। सो हो जाएगा हमारे पी, पी थोड़ा बड़ा हो गया और यहाँ पर हमें लाना है 7। सो 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5। सो ऐसे हो जाएगा 7। एक्चुअली ये छोटा है इसलिए ना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सो इसके बाद हमें इसको ये वाला यूज़ करना है, हमें इसमें कहा गया हाँ। सो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊँ सो ये थोड़ा सा 7 जैसा लुक देगा और इधर भी ऐसे तोड़ के ऐसे अभी अच्छा लग रहा है। उसके बाद अभी हमें डालना है इसमें एज इट इज़ नो ऐसे, ये तो कुछ और ही लग बन गया। सो अभी इसमें हाँ, इसमें हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं ये और फिर हमें ये ओके ये हाँ अभी लग रहा है P7। ऑल राइट, सो अभी सेम एज इट इज़ इस साइड भी करना है। इधर से आ जाते इसको तोड़ देते, इसको तोड़ ऑल राइट। सो अभी इसमें यहाँ पर ऐसे ब्लॉक करना है, इधर तो ब्लॉक ही है। ऑल राइट, सो अभी इसका पी इधर बनाना है, सो इसको तोड़ना है। ऑल राइट, सो अभी इसके ऊपर जा के ये हमें सेम एज इट इज करना है, ये ऐसे फिर में ये ऐसे, फिर में हमें इसको ऐसे लगा के इधर, अरे ऐसे नहीं इधर, फिर बाद में इधर ये हो गया हमारा से, ये तो उल्टा सेवन हो गया। ओके हमें इस साइड 7 नहीं डालना है, इस साइड हमें डालना है पी और उस साइड पीछे आएगा 7। सो मैंने पी वापस एक बार देखूँ तो कैसे बनाया मैं। ओके सो ऊपर और नीचे 3 3। ऑल राइट, सो अभी इसमें पी मैं बनाऊंगा इस साइड से, इधर 3 इधर भी 3, इसको तोड़ना है नीचे लगाना है ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया हमारा पी। और अभी 7 के लिए सेम एज इट इज़ इन सबको भर देते हाँ। सो अभी 7 के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें ये ऐसे फिर में यार में ये ब्लॉक ये दो तोड़ना है, इसको ऐसे लगा के डाउन। सो हमारे P7 हो गया है। सो अभी यहाँ पर हमें चलना है अंदर ताकि हम लोग वो ब्लॉक कर सके उसको पीछे वाले सेक्शन को, इधर ब्लॉक करना है इधर भी और इधर ब्लॉक करना है। ऑल राइट, सो ये हो गया है। अभी पीछे से थोड़ा लुक ले तो कैसा लगेगा, इन सबको कर देते वापस डिलीट। सो अगर मैं पीछे से लुक दूँ देखूँ तो P7 इसका एकदम सेंटर में है, अच्छा है। और अगर मैं इस साइड का लुक दूँ देखूँ तो इस साइड का भी अच्छा है। सो दोस्तों हमने बना दिया है फाइनली वैप 7P, मतलब कि वैप 7 वैप P7 भी बोल सकते हैं इसको।
सो आज के इतना ही, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय बाय।